शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे एक बार फिर से कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी की कीमतें देख रहे हैं कि थोड़ी और गिरावट के साथ बनती नजर आ रही है। कल के मुकाबले जो सोना चांदी है आज थोड़ा और फिसलता नजर आया है। आपको बता दें कि सोना आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1,917 पर ट्रेड कर रहा है। आधे फीसदी की गिरावट है, यानी कि लगभग $12 कल के मुकाबले आज और गिर चुका है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $24.9 पर ट्रेड कर रही है, $25 के नीचे लुढ़क चुकी है चांदी भी, और आधे फीसदी की करेक्शन चांदी में भी देखने को मिल रही है। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति जो चल रही है उसको सुधारने के लिए, युद्ध बंद करने के लिए, अभी जो डिप्लोमेटिक तरीके से विभिन्न देश और रशिया और यूक्रेन दोनों सारे के सब मिलकर ये जो प्रयास कर रहे हैं दोनों के बीच जंग खत्म करने के लिए, इसकी वजह से मार्केट में ऐसे सेंटीमेंट्स बने हैं कि इन प्रयासों से जो युद्ध की स्थिति है कुछ संभल सकती है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक नरमी आई है, सोने चांदी की कीमतों में एक निवेश टूटा है। दूसरा, अब जो एक्सचेंजेस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से गिरावट की तरफ जा रहे थे, अब उनमें धीरे धीरे निवेश फिर बढ़ गया है, इसका असर भी कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों पर पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में सोने चांदी में यहाँ से अभी रुकना चाहिए या फिर निचले स्तर पर गिरावट में खरीदारी कर लेनी चाहिए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर एक बार फिर से करेक्शन के साथ हैं, $19 के आसपास ट्रेड कर रहा है गोल्ड इस वक्त, $1,917-18 के करीब है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज सोना $11 की गिरावट के साथ खुला है, अगर आज बंद होता है तो क्या सोना इतने ही गिरावट के साथ $1,900 के नीचे लुढ़क सकता है? देखिए, अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि गिरावट जो है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में सोने में दबाव देखने को मिल रहा है। दरअसल फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड्स में मजबूती आई है और फेडरल रिजर्व की बैठक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। तो और दूसरी तरफ रूस से यूक्रेन पर हमले और महंगाई बढ़ने के कारण सेफ हेवन डिमांड बढ़ने से पिछले हफ्ते हमने सोने में तेजी आते हुए देखा कि लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था, इसकी वजह से हमने सोने में एक उछाल आते हुए देखा था। लेकिन अभी फिलहाल जो है फेड की बैठक से पहले हम लगातार इसके ऊपर दबाव आते हुए देख रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि बाजारों में ये गिरावट बढ़ सकती है और बिकवाली जो है आगे चलकर और ज्यादा हावी हो सकती है। और आज से यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक शुरू हो रही है और इसमें पूरा उम्मीद है कि ब्याज दरों को लेकर कुछ अपडेट्स निकलकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो फिर सोने में एक बार फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ एक ईज ऑफ आ सकता है, जिसकी वजह से सोने में खरीदारी फिलहाल घटती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब सोना चांदी यहाँ से $1,880 तक सोना एक बार नीचे में लुढ़क सकता है। जी रूपा जी, कच्चा तेल भी देख रहे हैं कि कच्चा तेल भी लुढ़क चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 पर है और WTI $97 पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वजह से जो कच्चा तेल अपने रिकॉर्ड हाई तक जाता हुआ नजर आ रहा था, अब वहीं से गिरावट की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल यहाँ से अभी और फिसलेगा? देखिए, अभी कच्चा तेल की जो रेंज बनती हुई अगले दिखाई दे रही है वो $90 से लेकर ऊपर में $110-$120 फिलहाल हो सकती है कि देखने को मिले। और ऊपरी स्तरों से बाजार जो है वो प्रेशर में है अभी। और बाकी देखिए, यूएस की जो ये फेड की मीटिंग है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा और अभी उससे पहले बाजारों में एक करेक्शन जोन जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए जो रणनीति होनी चाहिए वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब
आपको अभी कच्चा तेल अगर नीचे में लुढ़कता भी है तो $90 तक एक बार नीचे लुढ़क सकता है। जी रूपा जी, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी, उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि भारत अपनी निवेश को रशिया के ऑयल और गैस सेक्टर में बढ़ाए, जिसकी वजह से अगर भारत में ऑयल की और नेचुरल गैस की भरपूर सप्लाई रहती है, तो आपको क्या लगता है ये जो बातें कही जा रही हैं और ऐसे अनुमान जताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में जोरदार तेजी आ सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ कमी आ सकती है पेट्रोल डीजल में ज़्यादा बढ़ोतरी होने से, या फिर जो बढ़ोतरी होनी है वो पूरी तरह से रुक जाएगी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर फिलहाल राहत आती हुई जरूर दिखाई दी है, और रूस यूक्रेन तनाव के कारण फिलहाल तेल की कीमतों में उछाल आया था जो अब कम होता हुआ दिखाई दिया है। लगातार 3 सप्ताह तक हमने देखा है कि कच्चा तेल जो है वो $100 बैरल के ऊपर बना रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और अब $100 के नीचे लुढ़क चुका है, और अब एक्सपेक्टेड यही है कि कच्चे तेल के भाव की में आ रही कमी से खुदरा जो तेल कंपनियां हैं उनके ऊपर मार्जिन का दबाव फिलहाल कम होता दिखाई दिया है। और भारत में उत्तर प्रदेश समेत जो ये इलेक्शन हुए हैं 5 विधानसभा राज्यों में, उसके बाद से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल पिछले 4 महीने से देख रहे हैं कि पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और देखिए जो कीमतें बढ़ी थी उस टाइम पर तेल की कीमतों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल नहीं देखने को मिला, अब वापस से कच्चे तेल की कीमतें कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही हैं, तो फिलहाल पेट्रोल और तेल की कीमतों में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, और लगता है कि भाव जो है वो स्टेबल रहेंगे, बहुत ज्यादा कोई अप एंड डाउन आने वाला फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कुछ रौनक लौटी है, बेस मेटल्स में निचले स्तर से खरीदारी लौटी है, आपको क्या लगता है क्या बेस मेटल्स एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई बनाने वाले हैं, या फिर ये जो अभी वॉर सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से जो गिरावट आई थी बाद में अभी थोड़े नरमी रह सकती है और एक रेंज रह सकती है बेस मेटल्स के अंदर? देखिए बेस मेटल्स में रुझान तो पॉजिटिव ही है अखिलेश, लॉन्ग टर्म अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बाजार पॉजिटिव है, अभी ऊपरी स्तरों पर छोटी मोटी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अभी जो प्राइजेस देखने को मिले हैं वो काफी ओवरबोट हो चुके थे, इस वजह से करेक्शन जोन में मार्केट आया है, और अभी चाहे आप कॉपर देखिए 800 के नीचे लुढ़क चुका है, निकल में गिरावट आई है, जिंक भी लुढ़का है, तो मुझे लगता है कि छुटमुट ये शॉर्ट टर्म करेक्शन आप देख सकते हैं, और अभी हाल फिलहाल में कुछ समय के लिए आपको बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स के देने चाहेंगे आप? देखिए नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो फिलहाल गोल्ड में अभी पाली किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड मुझे लग रहा है कि एक बार 51,000 के नीचे लुढ़क सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी, तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।